नमस्कार। तो आज हम आपक लिए चल रहा हूँ टिहरी जिला का ग्राम पंचायत रिंगालगढ़ का गांव दड़क, जहाँ आज़ादी का 73 साल बाद भी नहीं पहुंच पाई सड़क। दिखौला ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन यहाँ रोड की सबसे बड़ी समस्या है साहब, यहाँ समस्या ये है कि जब विकास मंत्री महतपर सिंह कंडारी जी थे तो यहाँ जो है दड़क तक 8.5 किलोमीटर रोड का सर्वे हुआ था जी। लेकिन उसके बाद सरकार दूसरी आई, वो पता नहीं किस ठंडे में गई। उसके बाद खजानदास जी आए, खजानदास जी ने कहा कि पहले प्रथम दड़क वालों को रोड की देंगे जी। यहाँ से एक तरफा वोट गया, फिर जब सड़क देने की नौबत आई तो उसने 2 किलोमीटर दी, तब फिर हम वहाँ गए तब 3 किलोमीटर की। अब उसमें बोलचाल रहा दुकानदारों का, प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो लोग, उनका रहा, उन्होंने अपना बिजनेस पॉइंट बनाया दुकान तक, उससे दड़क का किसी का नाम नहीं। दड़क की सीधी रोड आती थी और वो ऊपर चले गई। ये जो है रोड बिल्कुल दड़क वालों का ना, तो इससे लाभ कुछ ना हानि, ये जो है सिर्फ बिजनेस पॉइंट है। अच्छा, बाकी ये यहाँ पे जो है, तब हमने जो है ये बाइक के रास्ता अपना आप ही बनाया साहब, अपने गाँव के लोगों ने कुछ सर्वदान किया, कुछ फंड फंड से पैसे निकाला, कहीं से जुगाड़ करके जो है लड़कों ने अपना बाइकों के लिए रास्ता घर तक अपना स्वयं बनाया। नहीं तो यहाँ कोई अंधेरा है, बस समझ लो ये आज़ादी के बाद जो है अभी तक यहाँ पर कुछ ऐसा कोई ऐसा काम नहीं हुआ। जो कि हमारी यही अपील है कि कुछ सरकार करे तो गांव तक रोड होनी चाहिए, ये नहीं कि बिजनेस पॉइंट ही तक सीमित रहे, गांव तक रोड पहुँचनी चाहिए। ये हनुमान चौक से आती थी हमारी रोड नीचे ना, यार इन्होंने जो है ऊपर ज़बरदस्ती ले गए। अच्छा, गाँव वालों की नहीं सुनी, उन्होंने उनका बोलवाला था, वो लोगों ने अपनी मनमर्जी से ऊपर ले गए, गाँव वालों की कोई राय से नहीं ले गई। ठीक है, बताएँ तो यही है कि एक तो सड़क से हम लोग वंचित हैं अभी जी, जो कि 3 किलोमीटर मैंने आपको बताया था कि अब सैंक्शन हो चुकी है, और 5 किलोमीटर मेरे ख्याल से अब हमें फिर से कार्रवाई करनी पड़ेगी जी। उसमें कितना टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं, ये बता नहीं सकते। अच्छा, आप बता रहे ये जो 3 किलोमीटर रोड इस समय जो है जिसका टेंडर जी, कोई शासन प्रशासन तो छोड़ना तैयार नहीं जी, और हॉस्पिटल भी नहीं जी, पानी की भी दिक्कत है, पानी की दिक्कत। हाँ, पानी तो 600 जल को जी, और कभी कभी टूट जाओ जी, बंद हो जाओ, पानी की भी दिक्कत है। अच्छा, हाँ, ग्राम दड़क से हूँ, हमारे लिए रोड की बहुत ज़्यादा परेशानी है, पैदल जाना पड़ता है यहाँ से जनरी खाल तक 10-15 किलोमीटर दूर, बच्चों की बहुत ज़्यादा परेशानी है, बच्चों की भी बहुत सारी दिक्कतें है। आपके लिए बड़े बड़े धन्यवाद करता हूँ मैं, आप गांव में आए हैं, आपके लिए बड़े बड़े धन्यवाद करता हूँ मैं, जो आप इधर आए हैं इस गांव में, इस यहाँ तो आने के लिए भी बड़ी समस्याएं हैं, हमारे गांव में आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि हमें कम से कम 14 किलोमीटर आना जाना पड़ता है,